नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पैराग्वे फ्रॉम इंडिया। पैराग्वे जो मतलब एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसमें हिंदुस्तान से हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन वो टॉप कंपिटेटिव कंट्रीज है जिनके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा पैराग्वे को बेसिकली एक्सपोर्ट कर रही है। टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है बेसिकली पैराग्वे के बारे में, टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट कौन कौन सी जो कि पैराग्वे सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टॉप कंपिटेटर कंट्रीज, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा है पैराग्वे को, क्योंकि बेसिकली सस्ता देता है और पैराग्वे सस्ता लेना पसंद करता है। लेकिन अभी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी जा रही है वो आसपास की कंट्रीज जो कि हिंदुस्तान के पास में, क्योंकि चाइना बॉयकॉट चाइना का भी आजकल मुहिम चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। तो चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना 3.01 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है पैराग्वे को। दैट इज अराउंड 29% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे, यानी पैराग्वे जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 29% वो अकेला चाइना से ही लेता था। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं, सेकंड नंबर ब्राजील आता है, क्योंकि ब्राजील बेसिकली उसी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। तो ब्राजील से कितना इंपोर्ट कर रहा है, ब्राजील से वो 2.38 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 23% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे। अगर मैं अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना भी पास की कंट्री है, तो वो हम आगे भी करें लोकेशन में अर्जेंटीना ब्राजील आता है। तो बेसिकली अर्जेंटीना से कितना इंपोर्ट करा, अर्जेंटीना से वो 949 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 9.28% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए से कितना इंपोर्ट करा, यूएसए से वो 690 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 6.76% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे। सिंगापुर नंबर फिफ्थ पे, फिफ्थ पे आता है, तो सिंगापुर कितना एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, सिंगापुर 386 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है बेसिकली पैराग्वे को। दैट इज अराउंड 3.77% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, तो लिस्ट में 8th नंबर पे आता है हिंदुस्तान का नाम, हमारा नाम। तो हिंदुस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, किसको एक्सपोर्ट कर रहा है बेसिकली, हिंदुस्तान कितना एक्सपोर्ट कर रहा है पैराग्वे को, पैराग्वे को हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे 234 मिलियन डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं पैराग्वे को। दैट इज अराउंड 2.29% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे, यानी पैराग्वे जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 2.29% हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है। तो एटलीस्ट मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे भाई बहनों को जो कि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैराग्वे को एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारा 2.29% से बढ़ के आगे परसेंटेज बढ़े और हम नंबर 1 पे आ सकें। और ये हो सकता है आपके द्वारा, आप इसमें साथ में मिलकर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टेक्निकल रिसर्च की, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है, उससे पहले मतलब जो हमारा ट्रेनिंग होता है बेसिकली ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन का जो शेड्यूल है इस मंथ का, नवंबर मंथ वाला, वो 12 नवंबर to 19 नवंबर शेड्यूल किया, जो कि इवनिंग 5 to 6 होता है, शाम को 5 बजे से 6 बजे। आपको अपने इंपॉर्टेंट टाइम में से ओनली 1 आवर देना है। जो कि लोग बिजनेसमैन है, जो बिजी है या जो दूर रहते हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया ऑनलाइन, जो कि 12 नवंबर से 19 नवंबर है। और जो लोग दिल्ली आ सकते हैं या दिल्ली के आसपास के हैं या फिर दिल्ली के लिए वो टाइम निकाल सकते हैं, तो बेसिकली उनके लिए ऑफलाइन प्रोग्राम रखा गया, जो कि 27, 28, 29 नवंबर को हो, जो कि दिल्ली में होता है, दिल्ली मयूर विहार फेस 1। दोनों चीज में आपको सिखाया जाता है कि आप बायर कैसे फाइन करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, मेनली सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, आप बेसिकली अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंक्रीज करते हैं, आप कैसे बायर के साथ में डील करते हैं, बायर को कैसे फॉलोअप करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट लगते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में लाइफ टाइम हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, कभी भी कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कभी भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करें, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है पैराग्वे के बारे में, तो बेसिकली किसी भी मार्केट का हमें रिसर्च करना हो तो बेसिकली उसमें सबसे पहले पायदान पे इकोनॉमी, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम ही आता है। तो उसमें सबसे पहले पायदान पे इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी 35.606 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक ठाक है। अगर पॉपुलेशन ही देखें तो पॉपुलेशन 73 लाख का ही पॉपुलेशन है। और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बेसिकली 4909 यूएस डॉलर का पर कैपिटा इनकम है, जो कि इंडिया का 2500 यूएस डॉलर का। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो डिवाइड हो जाता है पॉपुलेशन में, तो बेसिकली हमारा फिर पर कैपिटा इनकम कम आ जाता है। अगर मैं बात करूं जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर, यानी जीडीपी कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पैराग्वे की जीडीपी में, बेसिकली
तो उसमें एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर सबसे पहले पायदान पे आता है। एग्रीकल्चर 17.9% का बेसिकली कंट्रीब्यूट करा, जैसे हिंदुस्तान का भी 17-18% का ही बेसिकली कंट्रीब्यूट करा इंडियन इकोनॉमी में। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, पैरागवे की इंडस्ट्री कितना सपोर्ट करी, कितना कंट्रीब्यूट करी, तो वो 27.7% का ही कंट्रीब्यूट कर पा रही है। अगर मैं सर्विस एक्सपोर्ट की बात करूँ, सर्विस इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है पैरागवे की जीडीपी में, तो बेसिकली 54.5% का कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपोर्ट कितना कर रहा है पैरागवे, टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है 8.66 बिलियन US डॉलर का, और टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है 10.2 बिलियन US डॉलर का। यानी इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट डेफिशिट कंट्री है जैसे कि हिंदुस्तान। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे चलती, स्पेनिश भी चलती है, पैरागवे गुरनामी उनकी जो खुद की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी चलती है, और कुछ इंग्लिश भी चलती है। और अगर कैपिटल की बात करूँ, तो कैपिटल आप भी उसकी जानते हुए, कैपिटल अंसु सॉइल बेसिकली उसकी कैपिटल है अशुनसोल। और अगर मैं बात करूँ बेसिकली करेंसी की, तो बेसिकली पैरागवे की गुनामी खुद करेंसी है, जो कि इक्वल टू 0.011 इंडियन रुपीस के बराबर होती है। यानी 1 INR 1 Indian rupees इज इक्वल्स टू 88.44 पैरागवेन बेसिकली गुनामी, जो उनकी बेसिकली करेंसी है, यानी इंडिया की करेंसी से बहुत डी इवेल्युएट उनकी करेंसी है। अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करें, कि लैंडलॉक कंट्री के, यस दिस इज ए लैंडलॉक कंट्री, ये किसी समुद्र या किसी सी वे से कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन इसकी आप मैप में भी देख सकते हैं, जैसे कि ब्राजील, क्योंकि साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राजील हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उसके पास की कंट्री, चारों तरफ से उसको लॉक किया हुआ, लैंडलॉक कंट्री है। अगर मैं बात करूं टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट की, वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि पैरागवे सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल का जो भी आइटम है वो पूरा कितना इंपोर्ट कर रहा है, 1.83 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 17.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैरागवे। पैरागवे जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 17.9% वो इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए अलग से हमारा वीडियो भी, अगर वो आपने देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं मिनरल ऑयल, मिनरल फ्यूल, एडिबल ऑयल इंक्लूडिंग वैक्स, अगर उस सब प्रोडक्ट की बात करूं, तो बेसिकली वो 1.26 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 12.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैरागवे, जो साउथ अमेरिकन की अमेरिकन कंट्री है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल कुछ भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कोई मैकेनिकल आइटम है, तो बेसिकली वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, 1.12 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 11% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री पैरागवे। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल, ऑटो स्पेयर पार्ट्स कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का अलग से हमारा वीडियो भी, वो भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं बेसिकली, तो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का कितना इंपोर्ट कर रहा है, 843 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 8.25% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैरागवे। अगर मैं बात करूँ केमिकल प्रोडक्ट की, जो कि गुजरात में भी बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, गुजरात से बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिकल भी एक्सपोर्ट होते हैं, इवन चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं हम गुजरात से ऑर्गेनिक केमिकल, तो ऑर्गेनिक केमिकल कितना इंपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक ये बेसिकली केमिकल कितना इंपोर्ट कर रहा है, केमिकल प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहा है 444 मिलियन US डॉलर का। दैट इज अराउंड 4.35% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैरागवे। अगर मैं बात करूं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट की, जो कि गुजरात से बहुत ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली 419 मिलियन US डॉलर का। दैट इज अराउंड 3.99% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैरागवे। पैरागवे जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 3.99% ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रोडक्ट जो रहते हैं, वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो 403 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 3.94% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैरागवे। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश और गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों को मिलाए, तो हमारे पास में मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और हिंदुस्तान से स्पेशली गुजरात से और हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं। तो कितना बेसिकली वो इंपोर्ट कर रहा है, वो बेसिकली इंपोर्ट कर रहा है 275 मिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 2.7% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ बेसिकली पैरागवे।
अगर पेपर, पेपर इंडस्ट्री, पेपर कप, पेपर बोर्ड, पेपर कप्स की अगर बात करें तो वो 246 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा, दैट इज अराउंड 2.42% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे। अगर मैं बात करूँ आयरन एंड स्टील की, तो आयरन एंड स्टील में भी वो पीछे नहीं है, 239 मिलियन डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट करा, दैट इज अराउंड 2.34% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ पैराग्वे, जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मेन सी पोर्ट की बात करें तो बेसिकली जो उनकी कैपिटल है उसका जो सी पोर्ट है बेसिकली वही मेन पोर्ट है, पोर्ट ऑफ आसनसोल, पोर्ट ऑफ आसनसोल और पोर्ट ऑफ पिलर, दो मेन सी पोर्ट है। अगर मेन एयरपोर्ट की बात करें तो बेसिकली जो कैपिटल है उनकी कैपिटल सिटी है उसी में मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी आसनसोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा आता है शिओडेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि पैराग्वे जाना चाहता है या पैराग्वे में अपना बिजनेस बेसिकली एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, अपना एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो जॉब कर रहा बिजनेस करना चाहता है या जॉब कर रहा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.